चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन से फ्लाई ऐश तालाब तक राख के घोल के ले जाने वाली पाइपलाइन रविवार की सुबह पंचर हो जाने के बाद बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश इरई नदी और आसपास के खेतों में बह गई, जिससे पाइपलाइन के अगल बगल के किसानों की खेती का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। साथ ही नदी में फ्लाई ऐश का झाग जाने से नदी का पानी भी प्रदूषित हो गया है। मामला तब सामने आया जब गैर सरकारी संगठन संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्था के अध्यक्ष राजेश बेले को सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और संयंत्रण अधिकारियों और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को उन्होंने सूचित किया। उन्होंने दावा किया कि सुबह सुबह इराई नदी के ऊपर से गुजरने वाली एक पंक्चर पाइपलाइन से फ्लाई ऐश का घोल पूरी क्षमता के साथ बाहर निकलने लगा। रात करीब 10:30 बजे मौके पर पहुंचे और फ्लाई ऐश के घोल से भारी प्रदूषण को देखने के बाद उन्होंने तुरंत चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संबंधित अधिकारियों को सूचित किया, मगर किसी भी अधिकारी ने इस प्रदूषण फैलाने वाले घोल को रोकने की कोशिश नहीं की और इसमें गैर जिम्मेदाराना तरीके से लापरवाही बरती गई। चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के अधिकारी 12 घंटे बाद सुबह करीबन 11:15 पर मौके पर पहुंचे और नुकसान की जांच करने के बाद क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की आपूर्ति बंद कर दी गई। इराई नदी के ठीक ऊपर से गुजर रही पाइपलाइन में एक मोड़ के पास से इस घोल का रिसाव हो रहा था। बेले ने नागपुर मेट्रो समाचार से बात करते हुए कहा कि घोल नदी के किनारे से कुछ ही मीटर की दूरी पर जमीन पर गिर रहा था और नदी में बह रहा था। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सूत्रों ने फ्लाई ऐश पाइपलाइन में रिसाव की पुष्टि की, लेकिन इसमें मामूली क्षति बताया गया, जिससे आधे घंटे के भीतर ठीक कर लिया गया। बेले ने हालांकि कहा कि झाग काफी बल के साथ घंटों तक लीक हो रहा था। उन्होंने कहा कि रविवार होने के कारण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल कर्मी नहीं आए। चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के संबंधित अधिकारी द्वारा मामले की पुष्टि के लिए नागपुर मेट्रो समाचार की तरफ से की गई कॉल का जवाब नहीं प्राप्त हुआ। ताड़ोबा बचाओ समिति के प्रोफेसर सुरेश चोप ने दीपक दीक्षित, प्रोफेसर योगेश दूध पचारे, मजहर अली, भूषण कुमार फूसे और सदस्यों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन की गैर जिम्मेदाराना हरकत से चंद्रपुर की नदियों में प्रदूषण फैल रहा है। ताड़ोबा बचाओ समिति में प्रबंधन की कड़ी आलोचना करते हुए नदी हो या हवा, प्रदूषण करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इस घटना के पहले 1 मार्च 2022 को फ्लाई ऐश आपूर्ति लाइन में इसी तरह की दुर्घटना में टनों फ्लाई ऐश नदी में लीक हो गया था। एक दंडात्मक कार्रवाई में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 10 लाख रुपए की गारंटी भी जब्त कर ली थी और चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर 1,05,000 रुपए का पर्यावरण मुआवजा भी लगाया था। साथ ही कंपनी को फ्लाई ऐश को नदी से हटाने और उपचारात्मक उपाय करने के लिए कहा गया था। कल दिनांक 4 जून को चंद्रपुर में चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन की जो फ्लाई ऐश लेके जाने वाली लाइन है वो लीक हुई है और आज हम लोग उसी जगह आए हुए हैं। यहाँ पे जो फ्लाई ऐश की लाइन है ये पूरी सड़ चुकी है, इसकी लाइफ ख़त्म हो गई है और इसी लाइन को बेस के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो भी पूरी तरह उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। सारे उसमें आयरन बार्स दिख रहे हैं और यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को रिपेयर करने से ज़्यादा इन्होंने सीमेंट का पानी मार के रखा हुआ है। जो फ्लाई ऐश लीक हुई है वो आजू बाजू के खेतों में गई है और बाजू रिवर में भी गई है। इसकी वजह से चंद्रपुर के नागरिकों के हेल्थ के ऊपर भी और एनवायरनमेंट के ऊपर भी असर हुआ है। हमारा ये आरोप है कि CSTPS के उच्च अधिकारी शासन प्रशासन को और ठेकेदारों को साथ मिलकर भ्रष्टाचार करके ये सारा व्यवहार किया हुआ है। अपन पाहू शकता है CTPS कोळशाची जळलेली राख जी आहे ही राख या पाइपलाइनच्या माध्यमातून समोर त्यांचा एस डॅम आहे त्या एस डॅममध्ये नेतोय। ॲक्च्युली एस डॅमची पण कॅपॅसिटी पूर्ण भरलेली आहे, नवीन एस डॅमच्या शोधामध्ये सध्या CTPS आहे। प्रश्न असा आहे की ही जी राख जी आहे ज्या पाईपच्या माध्यमातून पुढे नेली जात आहे, MPCB कडक वॉर्निंग देत आहे की पाण्याचं प्रदूषण होऊ नका। ही बाजूलाच इरई नदी आहे, या इरई नदीच्या बाजूलाच त्यांनी अनेक वर्षांपर्यंत त्यांची राख जी आहे राख डिपॉझिट केली होती। ह्या पाईपलाईन ज्या आहेत ह्या सडल्या होत्या, तुटल्या होत्या, त्यातनं कंटिन्यूअस लिकेज व्हायचा। अनेक वेळा सांगूनसुद्धा MPCBनं कितीतरी तक्रारी दिल्या आहेत। प्रदूषणाच्या नावाखाली 5 कोटी रुपये त्यांनी दंड भरलेला आहे, अजूनही CTPSला जाग आलेली नाही आहे। आपण पाहू शकतोय की ही स्लरी जी आहे ही या ठिकाणी कोसळत आहे, खाली पाईप जे आहेत ते लीक होत आहेत आणि लीक झालेला सगळ्याचा सगळा हा जो एज जो आहे कोळसाचा हा पुन्हा या नदीमध्ये येऊन मिळतो आहे आणि त्यामुळे ॲक्वॅटिक लाईफ जी आहे आपण ह्या मशी पाहू शकता या ठिकाणी इथेच जाऊन पाण्यामध्ये बुडतात। बाजूला स्त्रिया जे आहेत त्या कपडे धुत आहेत, आंघोळ लोकं करत आहेत आणि त्यामुळे प्रदूषित पाण्यामध्ये या सगळ्या
जीवांचा वावर जो आहे हा होताना आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. मासोड्या मेल्यात ही जी स्लरी जी आहे किंवा ही जी एज जी आहे तिच्यामध्ये पाहतो आपण की मर्क्युरी आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये, प्रदूषक आहे, मेटल्स त्यामध्ये कंटेन आहेत. आता नवीन त्याच्यामध्ये रेडिओएक्टिव्ह मिनरल्स जे आहेत त्यामध्ये मिळालेले आहेत. म्हणजेच भयानक असं प्रदूषण जे आहे, प्रदूषण आपण पाण्यामध्ये मिसळतो आहे आणि त्याचा गंभीर परिणाम, कारण पुढे हीच नदी जी आहे या नदीचं पाणी चंद्रपूर पित आहे. साधारणतः 20-30% लोक जे आहेत आजही पाहतो चंद्रपूर शहरातले की या नदीवर डिपेंड करत आहेत. चंद्रपूर नगरपालिका जेव्हा होती तेव्हापासूनच्या सिस्टम जे आहेत त्या सुरू आहेत आणि त्यामुळे चंद्रपूरच्या लोकांना सुद्धा पिण्याच्या पाण्यातून धोका जो आहे हा धोका या पूलच्या एजचा असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. चंद्रपूरचे BCN न्यूज के लिए सुनील ताळे की एक्सक्लुसिव्ह रिपोर्ट.